जय हिंद। डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत है। आज हम कव बुलबुल के गोल्डन एरो बैच के रजिस्ट्रेशन एवं गाइडलाइन से जुड़ी जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। मैं गाँव अकेला राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट सब एडवांस स्काउट मास्टर अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्काउटिंग में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो आज आप इस वीडियो में कव बुलबुल के गोल्डन एरो बैच के रजिस्ट्रेशन एवं उसके गाइडलाइंस और इसका रजिस्ट्रेशन कब से कब तक किया जाएगा, गोल्डन एरो बैच के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसे किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, ये सभी की जानकारी हम लोग इस वीडियो में प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय की तरफ से कब बुलबुल गोल्डन एरो बैच के रजिस्ट्रेशन की तिथि जारी कर दी गई है कि कब से कब तक गोल्डन एरो बैच का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसे किस प्रकार सही फॉर्मेट यानी सही एप्लीकेशन फॉर्म में हम फॉर्म को भरकर असिस्टेंट डायरेक्टर के द्वारा हम लोग अपने अपने क्षेत्रीय मुख्यालय में उसको भेजेंगे, इस सभी की जानकारी उस सर्कुलर एवं गाइडलाइंस में दिया गया है। तो आप सभी इस वीडियो को तक जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे, क्योंकि कव बुलबुल स्काउट गाइड एवं रोबो इंजन से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी हम इस चैनल पर हमेशा लाते रहते। तो आप सभी जो कव बुलबुल गोल्डन एरो बैच के लिए जो भारत स्काउट्स एंड गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय की तरफ से जो सर्कुलर जारी किया गया है एवं गाइडलाइन जारी किया गया है, आप सभी उसको अच्छे तरीके से देखिएगा। हम उस सर्कुलर और गाइडलाइंस के माध्यम से आपको कव बुलबुल के रजिस्ट्रेशन और गाइडलाइन से जुड़ी जानकारी संक्षिप्त रूप में देंगे। तो वीडियो में बने रहें और चलिए हम लोग जानते हैं कव बुलबुल के गोल्डन एरो बैच के रजिस्ट्रेशन एवं गाइडलाइन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के द्वारा जो गोल्डन एरो बैच बर्ड्स 2023 के रजिस्ट्रेशन के लिए जो सर्कुलर जारी किया गया है उसके बारे में जानते हैं। उस सर्कुलर में क्या जानकारी दी गई है उसके बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक जानते हैं। जैसा कि आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गोल्डन एरो अवार्ड के लिए पंजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। वर्ष 2023 के कव बुलबुल के लिए गोल्डन एरो बैज पुरस्कार के पंजीकरण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नियमित अभ्यास के रूप में 30/9/2023 है। गोल्डन एरो बैज वर्ष 2023 के रजिस्ट्रेशन के लिए जो सर्कुलर जारी किया गया है उसके अनुसार रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30/7/2023 है। इसमें दिया गया है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया सुनिश्चित करें कि राज्य क्रमांक वाले आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्र के सहायक निदेशक को जमा किए जाए। अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन सहायक निदेशकों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी जो इसका अंतिम तिथि है 30/7/2023, उसके बाद एक भी फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। गोल्डन एरो बैच के लिए पंजीकरण फॉर्म BHG वेबसाइट www.bhgindia.org पर उपलब्ध है। आप भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bhgindia.org, इस वेबसाइट के माध्यम से आप गोल्डन एरो बैच का पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इसका मैंडेटरी पॉइंट है वह BHG UID नंबर अनिवार्य है। यानी BHG UID नंबर प्रत्येक कव बुलबुल का होना अनिवार्य है। बिना UID नंबर के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस तरह इस सर्कुलर के अनुसार 30/7/2023 गोल्डन एरो बैच पंजीकरण का लास्ट डेट यानी अंतिम तिथि रखा गया है। अब हम लोग जानेंगे कि गोल्डन एरो बैच अवार्ड वर्ष 2023 के पंजीकरण के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो क्या है, उसके बारे में हम लोग विस्तारपूर्वक जानते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है, गोल्डन एरो बैज अवार्ड वर्ष 2023 के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र पर अग्रेषित करते समय निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। यानी इन सभी गाइडलाइंस को आपको पूरा स्ट्रिक्टली आपको पालन करना है। तो सबसे पहला आपका गाइडलाइंस है, गोल्डन एरो बैज पुरस्कार के पंजीकरण हेतु निर्धारित पंजीकरण अप्लीकेशन फॉर्म में आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। यानी गोल्डन एरो बैच पुरस्कार के लिए जो पंजीकरण फॉर्म होता है उसके सही फॉर्मेट में ही आपके आवेदन को स्वीकार किया जाएगा।
उसके बाद दूसरा है बीएसजी यूआईडी नंबर अनिवार्य है। वैध यूआईडी संख्या के बिना आवेदन स्वतः ही खारिज यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बीएसजी यूआईडी नंबर अनिवार्य है, बिना यूआईडी नंबर के आपका फॉर्म सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। उसके बाद तीसरा गाइडलाइंस है पंजीकरण एप्लीकेशन फॉर्म भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.bsgindia.org पर उपलब्ध है। इस वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही साथ हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कब बुलबुल गोल्डन एरो बैच के पंजीकरण फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है अगला गाइडलाइंस बेसिक प्रशिक्षित कब मास्टर फ्लॉक लीडर जिसके पास वैध वारंट है वह गोल्डन एरो कब बुलबुल को प्रोड्यूस करने के लिए सक्षम यूनिट है। यानी जो भी बेसिक प्रशिक्षित कब मास्टर या फ्लॉक लीडर जिसके पास एक वैलिड वारंट है वह गोल्डन एरो कब बुलबुल को प्रोड्यूस करने के लिए सक्षम यूनिट है। उसके बाद पांचवा गाइडलाइंस है एपीआरओ भाग 2-3 में प्रदान की गई प्रगतिशील प्रगति के अनुसार सभी चरणों को पूरा किया जाना चाहिए। उसके बाद अगला गाइडलाइंस है छठा नंबर का चतुर्थ चरण हिरक पंख के समापन की तिथि परीक्षण की अंतिम तिथि होगी। शिविर का आयोजन राज्य द्वारा किया जाना चाहिए। यानी उदाहरण के लिए यदि परीक्षण तिथि 1/1/2023 से 3/1/2023 तक था तो चतुर्थ चरण हिरक पंख के पूर्ण होने की अंतिम तिथि पूर्ण होने की तिथि 3/1/2023 होगी। यानी जो परीक्षण शिविर का अंतिम तिथि होगा वही इसकी पूर्ण होने की तिथि होगी। अब हमारा सातवां नंबर का गाइडलाइंस है द्वितीय चरण रजत पंख से सभी परीक्षण दस्तावेज बैज समिति जिला या स्थानीय संघ द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बैज परीक्षक द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए। यानी द्वितीय चरण रजत पंख से सभी परीक्षण दस्तावेज बैज समिति जिला या स्थानीय संघ द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बैज परीक्षक द्वारा उसकी जांच किया जाना चाहिए। उसमें इसी में है यूनिट लीडर अपनी यूनिट के लिए स्वतंत्र बैज परीक्षक के रूप में काम करने के योग्य नहीं है। यानी यूनिट लीडर ही अपने यूनिट के लिए स्वतंत्र बैज परीक्षक के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आठवां गाइडलाइंस है कब बुलबुल के पास चतुर्थ चरण हिरक पंख योग्य होना चाहिए और एपीआरओ 2 और 3 के अनुसार कुल 6 प्रवीणता बैज यानी प्रोफिशिएंसी बैज अर्जित किए हो जिन्हें एप्लीकेशन फॉर्म में सीरियल नंबर 14 में विधिवत भरा जाना है। यानी कब बुलबुल के पास चतुर्थ चरण यानी एक कब चतुर्थ चरण या बुलबुल हिरक पंख योग्य होना चाहिए एपीआरओ भाग 2 या 3 के अनुसार कुल 6 प्रोफिशिएंसी बैच अर्जित किए हो जिन्हें एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सीरियल नंबर 14 में विधिवत भरा जाना चाहिए यानी अच्छे तरीके से भरना है उसको। उसके बाद 9 नंबर का जो गाइडलाइंस है राज्य संघ को यानी स्टेट एसोसिएशन को एपीआरओ भाग 2 और 3 के अनुसार चतुर्थ चरण हीरक पंख के कौशल और ज्ञान का परीक्षण करने के लिए स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर स्काउट्स गाइड्स की देखरेख में राज्य स्तरीय परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए। यानी स्टेट एसोसिएशन को एपीआरओ भाग 2 और 3 के अनुसार चतुर्थ चरण और हीरक पंख के कौशल ज्ञान का परीक्षण करने के लिए टेस्ट करने के लिए या एग्जाम लेने के लिए स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर की देखरेख में राज्य स्तरीय एक परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए। उसके बाद 10 नंबर का जो हमारा गाइडलाइंस है दिशा निर्देश है एक कब बुलबुल को संबंधित क्षेत्रीय मुख्यालय को उसका पंजीकरण फॉर्म जमा करने के समय 10 वर्ष की आयु पूरी नहीं करनी चाहिए। यानी एक कब बुलबुल का जब आप गोल्डन एरो फॉर्म का जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या फॉर्म भर रहे हैं तो उसकी उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, 10 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारा 11 नंबर का जो आप गाइडलाइंस है सील और हस्ताक्षर के साथ मूल पंजीकरण फॉर्म 30 सितंबर 2023 यानी 30/9/2023 को या उससे पहले NHQ में क्षेत्रीय मुख्यालय में जमा किया जाना है। यानी आपका जो मुहर और सील वगैरह जो होते हैं हस्ताक्षर के साथ ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले आपको
NHQ में क्षेत्रीय मुख्यालय में जमा किया जाना है। उसके 12 नंबर का गाइडलाइंस है, आवेदन पत्र बिना किसी ओवरराइटिंग के पूरी तरह से और सही ढंग से भरा जाना चाहिए, यानी आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी ओवरराइटिंग नहीं करनी है और उसे अच्छे तरीके से आराम से भरनी है। फोटो APRO 2 और 3 के अनुसार पूर्ण और सही वर्दी में होना चाहिए, यानी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा, उसे आपको APRO 2 और 3 के अनुसार जो वर्दी है आपका, एक कप की जो वर्दी होती है या एक बुलबुल की जो वर्दी होती है, वो पूरी सही वर्दी में होनी चाहिए। उसके बाद 13 नंबर का गाइडलाइंस है, जिस संस्थान या विद्यालय में आवेदक पढ़ रहा है उस संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, आवेदन या मूल जन्म प्रमाण पत्र की प्रति या आधार कार्ड की प्रति के साथ संलग्न किया जाना चाहिए, यानी जिस विद्यालय में कव या बुलबुल पढ़ रहे हैं उस विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा उसका जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन या मूल जन्म प्रमाण पत्र की एक छाया प्रति, या तो आपके पास आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ आपको संलग्न करना, यानी आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाना है। इस प्रकार गोल्डन एरो बैच के रजिस्ट्रेशन के लिए जो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसके बारे में हमने अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त की है। हमें उम्मीद है आपको यह जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि स्काउटिंग गाइडिंग से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी इस चैनल पर हमेशा हम लाते रहते हैं। साथ ही साथ गोल्डन एरो बैच अवार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप गोल्डन एरो बैज अवार्ड एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ उसका सर्कुलर भी आप अच्छे तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।